ओके यार, नहीं सबसे पहले मैं ट्राई ना पापा पे करती हूँ, उनके पापा बाहर बैठे हैं तो एक मैसेज। खुद ही डर गई, कैसे ये लोग यहाँ पे हैं। Are you mad? ही क्या कर रही हो आप? क्या मुझे फाइनली मुझे किसी ने प्रपोज किया। ओह माय गॉड, तो गाइस मेरी सून शादी होने वाली है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम सब शादी पे जा रहे हैं। बट ऑब्वियसली शादी पे जाना था तो पिंपल तो आना ही था। तो इसको पता नहीं, मुझे लगता है पता नहीं वैसा ऐसा हमेशा होता है जब मैंने कहीं जाना होता तो मुझे पिंपल आ रहा था। आप लोग होल शादी अब मेरा ये इग्नोर करना, तो ऑब्वियसली शादी है और उसमें राबिया का प्रैंक ना हो सबके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज मैं करने लगी हूँ बहुत इंटरेस्टिंग प्रैंक। अपने ईद वाले व्लॉग में पटाखे लेकर आई थी तो अब वो जो पटाखे हैं ना वो मम्मा ने अपने पास रखे हुए हैं और अब मैं करूंगी उनका प्रैंक, क्योंकि मम्मा को मैं साथ ऐड नहीं कर रही। मम्मा अब पूरी होल शादी तैयार होकर सब करेंगे, उनके साथ ही पटाखों वाला करूंगी और बहुत मजा आएगा उनके पास। अगर डरेंगे हिराब भी तो बहुत डरती है। सो आप सब एक्साइटेड रहे तो अब मैं पहले तैयार होने लगी हूँ। अगर यार तो मैं आप लोग को अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। This one is my dress. I will look pretty in this. तो अब हम लोग मेकअप जो है ना वो थोड़ा बहुत सिंपल सा करेंगे क्योंकि शेंडी का इवेंट है तो सिंपल सा मेकअप होगा। मैं अपने पिंपल को भी जरा अच्छे से आज अच्छा मेकअप करना पड़ेगा इसलिए। सो चलो ओके यार, फाइनली मैंने अपना मेकअप कर लिया। मैंने बहुत ही नाकाम कोशिश की अपने पिंपल को छुपाने की, बट मेरे ख्याल से नहीं छुपा, बट चलो जैसा भी हो गया। हाँ मम्मा जी, आपकी आंखें ऐसी प्यारी हैं बहुत। कोई भी नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, आपकी आंखें से पहले मैंने भी नहीं आई मेकअप के, मैंने सिर्फ आंखों में काजल लगाया। तो अब जल्दी से बालों को कुछ करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं। तो चलो। और गाइस तो मैंने अपना हेयर स्टाइल जो वो इस तरह का बना लिया, चुटिया टाइप, थोड़ी चेंज लुक थी। और अभी सब ऑलरेडी अपनी चीजें ढूंढने में लगे हुए हैं और मुझे भी चाहिए चूड़ियाँ क्योंकि ऑब्वियसली सीजन से तो चूड़ियाँ इसके साथ चाहिए होंगी, तो मैं ऊपर चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ। ओके यार, तो मुझे ये मिला है, अब मैं ये पहन रही हूँ और एक हाथ में चूड़ियाँ पहनूंगी और एक हाथ में ये पहनूंगी। और गाइस फाइनली मुझे यहाँ से चूड़ियाँ मिल गई हैं, इनमें से मैं पहनती हूँ ये ग्रीन पहनती हूँ। और गाइस मैं तो फाइनली रेडी हो गई हूँ, अब जो बेसिक काम है जो मुझे करना है इन सबके साथ वो करेंगे। मम्मी हमारी रेडी, मम्मा मुझे दें जल्दी से पटाखे। मुझे तो नहीं ना डराना। नहीं नहीं आपको नहीं, आपको माफी। मम्मा इतना तेज ब्लश ऑन, मम्मा फुल वो लगाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मम्मा पे सूट करके आपको फुल लुक दिखा देती हूँ। ये पहना है कितना प्यारा, चूड़ियाँ मैंने ऐसे मैच की हैं, ये देखें पीछे इसके साथ जैसे हक होता है मैच करने का। मम्मा जी मेरी शादी नहीं है, मुझे पटाखे देना कहाँ पे है जल्दी, तो कितने जल्दी देना। और मैं कुछ ना खा लेती हूँ, मुझे काफी भूख लग रही है। और पापा ओ चॉकलेट खाते पकड़े गए, पापा कैसे खा रहे, खूबसूरती का यही इरादा पापा के चॉकलेट्स खाते। वेट अ मिनट पापा जी, आप चॉकलेट कहाँ से लिए, मुझे भी खानी है। फिर से मुझे भूख लग रही है, अभी खा लेती हूँ। ओहो लेकिन मम्मा खाना पीना तो कहाँ पड़ी है। ओके यार तो मैं जूते में ना ये जूता पहन लिया क्योंकि कौन सा किसी को पता लगेगा कि मैंने नीचे जूता क्या पहना हुआ है। वहाँ पे ऑब्वियसली मेरी शादी तो है नहीं, मैं इजी को घूमना, खाना वगैरह खाना है, तो इसलिए मैं इजी जूते पहन के जा रही हूँ। या फिर इससे अच्छा ना ये पहन लेती हूँ, ये ज्यादा सही है। हाँ हाइट भी लंबी हो जाएगी। ओके यार तो मम्मी पटाखे कहाँ छुपाए हैं, हाँ पता लगे पटाखे घूम के जल्दी दें। मैं लेट, पापा बोल रहे हैं इतना ज्यादा, मुझे जल्दी पटाखे दो मेरे सब पे, और इतना मजा आने वाला है ना। ये पटाखे हैं, मैं लोगों को दिखा दी, ये पटाखे हैं बूम बूम पटाखे, ये अंदर से पटाखे हैं। इसका मैं आपको एक डेमो देती हूँ, ठीक है, ऊपर जाके एक पे फोड़ के देखते हैं कि मजा आता है कि नहीं आता। और क्या आता है, सबसे पहले मैं ट्राई ना पापा पे करती हूँ, उनके पापा बाहर बैठे हैं तो एक मैसेज। खुद ही डर गई, सॉरी अल्लाह अम्मा आप करो, मुझे डर लग रहा है, दूर से फेंक के मजा आएगा। पापा भी ऊपर ना फेंक देना, उनको लग जाएगा, लगता भी है। हाँ अम्मा ये आप ना ऐसे करके पापा को, क्योंकि ना मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ यार, ये मेरे दरवाजा लगा नहीं, इतनी होगा नील पड़ा है, नील नहीं पड़ता जा रहा है, चोटें लगती नजरें लगती है। एक निकाले, एक है ना, बस इसको जाके जमीन पे फेंक दे, जाए 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 जाए। पटाखे चल गए, क्या हुआ मुझे नहीं पता है क्या हुआ है भाई, से आया पटाखा। अम्मा पटाखा बाहर, राबिया मैं पहचानती हूँ सवाल। यार कुछ भी नहीं है, मुझे क्या बता, जो अंदर आ जाओ मम्मा। मैं ना तीन हाथों पकड़ लिए यहाँ पे छुपा के, तीन लेके जा रही हूँ,
तो एक एक नाम के ऊपर खोल दिया कैसे ये लोग यहाँ पे हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं खुद ही आवाज आई है अगर तो हीरा भी यहाँ पे रेडी हो रही है आप क्या कुछ मेरे कितने मजे की चीज है कसम से ये वो पटाखे है जो मतलब मैं देखना ओह ये क्या है मैं देखना पूरी शादी में इतने बच्चों को तंग करूंगी वहां पे ब्राइडल को तंग करूंगी वो मजा आएगा हेलो कैसी हो और मैं इनके साथ एक ऐसी चीज करूंगी कि ये लोग डर कर ये बच्चे हैं आज पूरी शादियों में यही काम करूंगी इन सबको डराती रहूंगी क्योंकि मैं अपने हाथ में भर ली है ठीक है और बस सब देखते जाओ हाथ में मैं तो हाथ में डर नहीं लग रहा देख के नहीं हाथ में कैसे फटेगा वाह यार तू इतनी स्ट्रॉन्ग बच्ची है यार सही है हाथ में फाड़े से दर्द नहीं होता बताओ मेरे चैनल को किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है सबने किया हुआ है यार मेरे चैनल को और इनमें से एक बच्ची है ये वाली ये बहुत अच्छी पिक्चर देती है ये लेगी मेरी ठीक है मुझे अच्छी तरह याद है हीरा सुंडी था भूल गई हो अगर यार तो यहाँ पे आते साथ जो हमें ड्रिंक सर्व हो रही है मैं इनमें से कोई ले सकती हूँ कोई भी ले लूँ ये कौन सा जूस है ये वाला ये स्ट्रॉबेरी है मिंट मार्केट और वो लस्सी पीना कोलाडा मैं पीना कोलाडा पीऊंगी और मम्मा आप स्ट्रॉबेरी ओके यार ये सब मेरा एक साइन कर रहे हैं जो मेरा बहुत फेमस साइन है सारे वो करके दिखाओगे कि मेरा क्या फेमस साइन है ठीक है करो ये करो दोबारा करो वो कर दिया क्या कह रही हो तुम कह रही थी ना कि वीडियोस में सब बड़े लगते हैं असल में छोटे लगते हैं हाँ जी आप लोग वीडियोस में बहुत बड़े लगते हैं अच्छा ये तो मैं रियल में ज़्यादा प्यारी हूँ या कैमरा पे ज़्यादा प्यारी हूँ रियल में ज्यादा प्यारी हूँ गाइस यार मुझे हैरत हो रही है ऐसी जगह पर आकर मेरी ज़ैनब मेरी बहन ने इतनी मतलब है कि कोई मेरी पिक्चर नहीं ले रहा आकर मैं सबको कह रही हूँ कोई मेरी पिक्चर नहीं ले रहा यार मेरी पिक्चर ले दो यार मेरी पिक्चर ले दो यार नहीं सेल्फी की पड़ी है मेरी पिक्चर ले दो यार मेरी पिक्चर ले दो यार कोई नहीं ले रहा सारे मतलब ही हो गए कसम से पॉइंट पर बैठ जाऊँ हाँ मम्मा मैं पिक्चर बनवाने लगी हूँ यार कोई मेरी पिक्चर नहीं मम्मा ज़ैनब आपके उठे सो बट आपके तो बैठने से टूट जाएगा एक्चुअली मम्मी नहीं टूटेगा मम्मा का वेट ज़्यादा फैन ने थप्पड़ मारा उसने मेरे बाप बच्चे ने बाल खराब कर दिया मैंने काट दिया यार कह रही है मेरी आप ही है क्या हाँ मेरा भाई है ये छोटा भाई है बच्चे ना बैठो टूट जाएगा सोफा टूट जाएगा मेरी पिक्चर नहीं आ रही है ऐसे यार ऐसे ही होता है यार बच्चा बोल क्या अच्छा मेरे ब्लॉग देखते ये तो कितना पाला जिसने ब्लैक साड़ी पहनी है वो भी वो फातिमा चलाकियाँ फातिमा और उसकी चलाकियाँ जाओ मिल के आओ जल्दी जाओ फातिमा रियल में ज्यादा प्यारी हुई और सब ज्यादा प्यारी हुई रियल में ज्यादा प्यारी हुई कौन लेते हैं अच्छी पिक्चर कौन खींचेगा तुम लोग मुझे इस पे यकीन है इस पे आ जाओ अब मैं पिक्चर देने के लिए बच्चे ढूंढ रही हूँ क्या आई लव यू ओ माय गॉड आई लव यू टू आई लव यू टू बच्चे शुक्र है फाइनली मुझे किसी ने प्रपोज किया ओ माय गॉड और होते हुए वो डांस कैसे कर रहा है अबे तेरे वाली हरकतें कर अल्लाह मम्मा मैं ऐसे तो कभी नहीं करती हूँ ओ देखो अल्लाह ओके यार तो यहाँ पे अब डांस वगैरह हो रहे हैं और तो बहुत प्यारा लग रहा है नजर जो तेरी लागी दीवानी हूँ इतनी प्यारी हवा चल रही है ना वाओ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਆਇਆ ਲੱਗਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਅਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਹ
पूरी शादी में बच्चे कोई घर बार नहीं है तेरा, तेरा घर बार नहीं है। ओके यार, तो मैं आपको फूड एक्सप्लोर करवा चुकी हूँ। फूड में क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास है ओहो चावल, अच्छा ये है हमारे पास पाए, और ये है नान, और ये है ड्रिंक, और ये है ट्रेडिशन सैलड, ठीक है। ओहो हो कबाब, ये आप लोग खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं? वाह वाह, मलाई बोटी, और दिखाएं वैरायटी सारी दिखाएं। ओहो पतंजन, पंजन जी के ओ जर्दा टाइप, और उसमें क्या है? आइसक्रीम अभी आनी है, अभी है नहीं, खाली चेक कर लो क्या खोल के दिखाएं। अच्छा मंत्रण, इसके अंदर आइसक्रीम आनी है अभी, ठीक है। और ये है खीर, तो आज का मेन्यू आप लोगों ने अरेंज किया, मैं ना खा के बताऊंगी कि कैसा लगा। सारा दिखा दिया खाना मम्मा, अब आपको फिर से बताऊंगा कोई बात नहीं, सब बगैर दिखाया ना। हाँ आपके बगैर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं पटाखे पकड़ के ना सबको मौत तंग करना, मेरे पटाखों ने बताया शादी में बताऊँ। हाँ वही मैंने कहा था, सब कर लिया यहाँ पे लोगों ने ना, मुझे घर वालों के साथ कर लिया, यहाँ मेरे को पिक्चर ले गए भाई। यहाँ पे सिर्फ तन्हा आदमी, कोई पापा का दोस्त नहीं है, तन्हा पापा जी अकेला बैठ के कैसा लग रहा है आपको? कह रहे मैं अकेला ही काफी हूँ, यही कह रहे ना, खिलाऊँ आप लोग के लिए? हाँ लोग खा रहे हैं आपको पता, लाओ इन ख्यालों ने नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार के दुल्हन को पैसा देने जा रहे हैं, जिसके लिए सब इंतजार करते हैं ना, दुल्हन को पैसे देने हैं। यार ये क्या किया लोगों ने खाने का, अल्लाह पता चल रहा है पाकिस्तानी अवाम ने खाना खाया है, जाया भी किया है। तो अब हम दुल्हन को पैसे देने जा रहे हैं, मामा कितने पैसे दे रही है दुल्हन को? मैं भी बताऊँ, बता दें 50 रुपए। और यार तुम हम पैसे देने जा रहे हैं तो जल्दी चलो, इतने एक तो रास्ते में रुकावटें आई जा रही है, मतलब पैसे नहीं जा रहे, पागल सलामी कहते हैं उसको, चलो कहने को तो पैसा ही हुआ ना वो। अम्मा बताओ हिराबी, अम्मा इतनी लालची है बताओ, मैंने लिया वो, ये क्या है हिराबी, वो ये क्या है पीछे देखो। मेरा भी सारा ये चल खराब हो गया यार, के लिए मेरे को कहूँगी बंदे फिर मेरी शादी हो भी लेके जाना चल। मुझे दिया गया है पैसा जो हमने इन्होंने कहा कि कवाली में फेंकना है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, कवाली में फेंकने की बजाय गिरेगा वो, गिर के पकड़ेंगे लोग, तो इससे अच्छा मैं ये करूँगी कि यहाँ पे जो गरीब वेटर्स काम कर रहे हैं उनको दे दूँगी ये, तो वो देते हैं अच्छे, ले लें आप भी हाफ ले लें, हाफ ले लें, ठीक है मिल के ले लें, ठीक है। तो यार देखो वहाँ पर मैंने फेंकने थे शौकी के लिए, फिर उठाने इन्होंने इधर उठ, मतलब डायरेक्ट दे दे, क्यों इतना वो करना। बच्ची है जो कह रही है कि मुझे मेरे ब्लॉग में ले, आप फैन हो मतलब मेरे, ओ पता है आपने एक बच्चे ने प्रपोज किया, आपका कजन था शायद कोई, उसने आगे से गुलाब दिया मुझे। तो गाइस मेरी स्कूल शादी होने वाली है, ओ मैं कवाली में सब पैसे फेंक रहे हैं मम्मा, मैंने पैसे गरीब को दे दिए। खत्म हो गया इवेंट, बहुत मजा आया, और आज इवेंट में मैं अपने आप को प्यारी लग रही थी, जिससे मैं खुश हूँ। अलविदा करते हैं, अलविदा। लड़के ने प्रपोज भी किया, मुझे आज एक लड़के ने प्रपोज किया फाइनली। यार वो छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा था यार, कोई बात नहीं। आप भी, आपको था आज मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया, मुझे भी किया। वो बच्चा हर
हर किसी को हो चुकी है। नहीं वो आप तो बुक दो ना, वो बच्चा हर किसी को इतना दोगला बच्चा है, हर किसी को प्रपोज करता फिर कि कोई तो हाथ आएगी। मैं तो उसके सपने से जाने लग गई। ओके सारे बच्चों बाय, एक मिनट लेके जाए। हां हां वो कल आऊंगी ना, कल लेके जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।